हरिओम, ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो आप सबको चैत्र माह की वासंतिक नवरात्र की मेरी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। और यह आने वाली नवरात्रि सबके लिए बहुत कल्याणदायी हो, मंगलमयी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अनुष्ठान आदि करते हो, माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना आदि कुछ भी कामना के अनुसार करते हो, तो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना। अब इस वर्ष चैत्र माह की नवरात्रि कब आरंभ होने वाली है, किस दिन से और किस दिन पूर्ण होने वाली है, उसके अलावा जैसे चैत्र माह का प्रथम जो दिवस होता है जिसमें नया संवत्सर शुरू होता है, जैसे गुड़ी पड़वा जो नया वर्ष होता है खास करके महाराष्ट्र या देश के कुछ प्रांतों से, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के इस पहले भाग में मैं आपको वही बताऊंगा। और जैसे मान लीजिए कि अभी चैत्र नवरात्रि के विषय में ही एक पूरी श्रृंखला में शुरू कर रहा हूँ, पूरी जो भी उसका महत्वपूर्ण जो भी सारे विषय होंगे वो मैं बारी बारी से लूंगा। अवश्य देखते रहिएगा और आने वाले वीडियो भी देखिएगा। लेकिन कब, अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब की है, घंटी का आइकॉन दबाया है, तभी जाके आपको हमारे वीडियो की सूचना प्राप्त होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाइए, और विषय वीडियो पसंद आए तो हमेशा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष अर्थात 2023 में चैत्र नवरात्र का जो आरंभ होने वाला है वो है 22 मार्च बुधवार से आरंभ होकर पूर्ण होने वाला है। जिस दिन श्री राम नवमी है वो है 30 मार्च गुरुवार के दिन। देश काल के अनुसार शायद भिन्नता हो सकती है, लेकिन नहीं है, मैं पंचांगों का सहारा लेकर ही आपसे कहता हूं, बात कर रहा हूं कि इस वर्ष चैत्र माह की नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से आरंभ होकर 30 मार्च गुरुवार को पूर्ण होगी। अब जैसे मैंने कहा कि गुड़ी पड़वा भी उस दिन है, और गुड़ी पड़वा की पूजा आदि भी मतलब बहुत प्रांतों में की जाती है, तो उस दिन गुड़ी पड़वा है, उसका भी एक विशेष महत्व है, और चैत्र आदि नए वर्ष का आरंभ भी उसी दिन से होता है। दूसरा कि उस दिन शक संवत जो होती है वो भी नई शुरुआत होती है, तो नए शक संवत जो है, वर्ष है शक संवत, वो है 1945। उसके बाद संकल्प में हम संवत्सर का प्रयोग करते हैं, नाम बोलते हैं। जैसे अभी चैत्र माह शुरू नहीं हुआ है, तो 2022 की जो शक संवत या संवत्सर जो थी वो आनंद नाम की संवत्सर थी, लेकिन अभी जब चैत्र शुक्ल प्रथम प्रतिपदा से जब संकल्प आदि पूरे वर्ष हम करेंगे, संकल्प में उच्चारण करेंगे, तो वहां पर शोभन नामक संवत्सर का ही उच्चारण किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 22 मार्च से 30 मार्च तक है, उसके बाद गुड़ी पड़वा भी जो है वो भी उसी ही दिन है, उसके बाद शक संवत्सर या फिर शाके, अगर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं शाके, वो है 1945। और बहुत महत्वपूर्ण, जो काफी कम लोगों को पता होता है लेकिन हर एक पूजा पाठ में संकल्प में उसका प्रयोग किया जाता है, वो है नए संवत्सर का नाम, जो है शोभन नामक संवत्सर। तो ये था सबसे पहला श्रृंखला का विषय और वीडियो, जैसे घटस्थापन का मुहूर्त, घटस्थापन कब कितने बजे करना है, जैसे पूरे नवरात्रि में आप कौन सा अनुष्ठान कर सकते हो, नवरात्रि में भी कुछ दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण है होते हैं, तो ये सारे जो विषय है वो भी श्रृंखला में लाने वाला हूं। अवश्य मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। कर्मकांड भाई आनंद पाठक, आप सभी का हृदय पूर्वक धन्यवाद। ओम गणेश, हर हर महादेव।